बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुशामदीद कहेंगे। बड़ा हंगामा खेज दिन रहा और इससे ज़्यादा हंगामा खेज दिन कल साबित होने वाला है। क्या 6 मार्च वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का बतौर वज़ीर आज़म आखिरी दिन है? और अगर आखिरी दिन है तो नया वज़ीर आज़म कौन आ रहा है? क्या वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठने जा रहे हैं? अगर वो अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठने जा रहे हैं तो फिर क्या अगला वज़ीर आज़म नून लीग या फिर पीपल्स पार्टी से आ रहा है, या फिर इन दोनों जमातों का कोई मुश्तरका उम्मीदवार है जो किसी तीसरी जमात के ऊपर है? फिर अगर वज़ीर आज़म के पास ऐवान का एतमाद नहीं है और वज़ीर आज़म कल अपनी जो हुकूमत है अपने हाथों से उनका खात्मा करने जा रहे हैं, तो फिर क्या पीडीएम के अरकान यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई और दीगर एएनपी जैसी जमातों के जो एमएनएज हैं, क्या वो कल कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे, या फिर कल इमरान खान एक ऐसा छक्का मारने जा रहे हैं और इमरान खान एक ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं कि कल का दिन पीडीएम, इलेक्शन कमीशन और दीगर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ा देगा? तो कल आगाज होगा दिन का उस वक्त जब वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के जो रुकने कौमी असेंबली हैं उनके एजाज में नाश्ते का अहतमाम करेंगे, और उसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने कल शाम में जो कौमी असेंबली का इजलास होना है उसके हवाले से भी पहुंचना है और उस इजलास के अंदर शिरकत करनी है। उसके अंदर कल बड़ा अहम फैसला होने जा रहा है और आइन के आर्टिकल 91 यानी 91 की शिक्षात के तहत वजीर आजम इमरान खान कल कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो हमें कल खुलकर वोट दें। कल कोई सीक्रेट बैलेट नहीं है, कल कोई पैसे का इस्तेमाल नहीं है, कल सारी बात और सारी चीज कौम के सामने होने जा रही है। अगर लोगों ने जमीर की बुनियाद के ऊपर गिलानी साहब को वोट दिया है और इमरान खान के पास ऐवान का एतमाद नहीं है तो फिर कल इमरान खान का आखिरी दिन है। अगर इमरान खान का आखिरी दिन है तो कल क्या फजलुर रहमान साहब की जमात, मरियम नवाज साहबा की जमात और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जमात कल यकीनन कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत करेगी? और जैसे ही वजीर आजम इमरान खान को ऐवान का एतमाद हासिल नहीं होगा जो कि इन जमातों का दावा है, तो उसके बाद ऑपोजिशन के बेंचेस के ऊपर मिठाइयां बांटी जाएंगी और इन बेंचेस के ऊपर खुशी का इजहार किया जाएगा क्योंकि उनमें से कोई एक वजीर आजम बनेगा। और कल ही बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, फजलुर रहमान और असफन यार वली इकट्ठे बैठेंगे और कल ही कौमी असेंबली के नए कायदे ऐवान का ऐलान हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें मजाक हैं क्योंकि कल जब इजलास होगा तो उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जमातों के अरकान तो मौजूद होंगे जो वजीर आजम के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करेंगे, क्योंकि कल ओपन बैलेटिंग है, कल गिनती होगी। शो ऑफ हैंड्स के जरिए स्पीकर ये पूछेंगे जो वजीर खारजा ने कल करारदाद पेश ऐवान के अंदर करनी है उसके तहत कि कौन कौन लोग वजीर आजम इमरान खान के साथ हैं, कौन उनके मुखालिफ हैं। तो जो मुखालिफ होंगे वो दूसरी जानिब होंगे और जो उनके हक में होंगे वो वजीर आजम के साथ खड़े होंगे और उनकी गिनती होगी और इस गिनती की बुनियाद के ऊपर कल इमरान खान की किस्मत का फैसला हो जाएगा और यकीनी तौर पे कल ये बराह रास्त मनाजिर पूरी कौम देखेगी। लेकिन सवाल ये है कि ऑपोजिशन कहती है, जरदारी साहब ये कहते हैं, गिलानी साहब, मरियम नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी, फजलुर रहमान साहब और दीगर इवन नवाज शरीफ साहब जो बड़े बीमार लंदन में बैठे हुए हैं वो सारे कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर ऐवान ने अदम एतमाद कर दिया है इसलिए मुस्ताफी हो जाएं। अगर इमरान खान के पास वाकईतन अरकान की तादाद पूरी नहीं है तो फिर अभी तक ऑपोजिशन की जमातों ने नए वजीर आजम का ऐलान क्यों नहीं किया? और अगर वाकईतन ये चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ना अहल हुकूमत है, मुल्क दुश्मन हुकूमत है, ये जो बात करते हैं, तो कल फिर इनको कौम के ऊपर एहसान करना चाहिए था और कौम की भलाई के लिए कल इन सब अरकान को और इन सब जमातों को कौमी असेंबली के इजलास में पहुंच के इमरान खान के खिलाफ वोट करना चाहिए था और इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाते, यानी कल उनका नंबर पूरा ना होता और उसके बाद
ان کی جماعتوں سے کوئی بڑا آدمی جو پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی بھلائی کے لیے کچھ کام کر سکتا جو اہل ہوتا وہ کل وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ سامنے آتا لیکن ایسا نہیں ہونے جا رہا کیونکہ ان جماعتوں کو پتا ہے کہ کل پیسہ نہیں چلے گا ان جماعتوں کو معلوم ہے کہ کل سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر فضل الرحمان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں میں سے کوئی بھی کل شریک نہیں ہوگا کل کا اجلاس جو ہے وہ اپوزیشن کے بغیر ہوگا یعنی کل صرف اور صرف حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کے ارکان اکٹھے ہوں گے اور 171 ووٹ جب عمران خان کو مل جائیں گے 171 لوگ جب ان کے ساتھ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایوان کا اعتماد انہیں حاصل ہے اس کی ایک اور بھی وجہ ہے چونکہ اپوزیشن یہ کہہ چکی ہے کہ اس نے لانگ مارچ کرنا ہے اور عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آنی ہے لیکن عمران خان کو جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کو سیاست نہیں آتی انہوں نے اپوزیشن سے پہلے ہی پتہ کھیل دیا ہے کل ایوان جب ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر دے گا تو اس کے بعد 6 مہینے تک یاد کر لیجئے 6 months 6 مہینے تک ایوان کے اندر دوبارہ تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی یعنی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اگلے 6 ماہ کے لیے استحکام کے اندر آ جائے گی سٹیبل ہو جائے گی کوئی خطرہ اس کو نہیں ہوگا دوسری جانب اپوزیشن کی جماعتوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں لڑائی کس بات کے اوپر ہے اگر حکومت ختم ہونے جا رہی ہے تو پھر آپ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے زرداری صاحب اس وقت کیوں بھاگم دوڑ کر رہے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اپوزیشن جماعتیں کل وزیر اعظم کو نکالنے کی بجائے خود ہی ایوان سے نکل گئی ہیں عمران خان کو بھگانے کی بجائے اپوزیشن کی جماعتیں کل خود